नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि आप लोग खूब जम के पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जीवन को पूरी अच्छी भावनाओं के साथ शुभ भावनाओं के साथ और बिना मानसिक तनाव बिना विचलन के बिना डिप्रेशन बिना अवसाद के अच्छे तरीके से जी रहे होंगे आजकल का समय थोड़ा सा मुश्किल है हम देख रहे हैं कि आर्थिक संघर्ष भी अपने आसपास हर जगह फैला हुआ है मेडिकल हम देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है पूरे देश में महामारी है फिर विदेशों के साथ संबंध भी जैसे हमारे इस समय हैं तो स्थितियाँ कह सकते हैं कि सारी खराब स्थितियाँ एक साथ जैसे इकट्ठी हो गई हैं लेकिन व्यक्ति की पहचान यही होती है कि वो सबसे खराब स्थितियों में कैसे रिस्पॉन्स देता है कैसे रिएक्ट करता है और तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में अपने आप को ठीक से मैनेज कर पा रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे पिछले दो सप्ताह से मैंने दो वीडियो आपके सामने रखे थे एथिक्स विषय को लेकर जिसमें से पहला वीडियो था कि एथिक्स और मोरालिटी जो दो समानार्थक से शब्द लगते हैं अगर इनमें कोई अंतर है तो क्या अंतर है फिर सेकंड वीडियो जो बनाया था वो था कि एम्पैथी और सिंपैथी आज के लिए दोनों शब्द खूब चलते हैं तो यदि इनमें कोई अंतर है तो वो क्या अंतर है और आपके रिस्पॉन्स से कमेंट से ऐसा लगा कि आप चीज़ों को ठीक से समझ पा रहे हैं मेरी टीम ने मुझे वो सुझाव सारे लिख के भेजे कि क्या क्या आपने कमेंट्स किए हैं उनमें से कुछ कमेंट्स तो ये थे कि सर संविधान की सीरीज़ को फिर से शुरू कीजिए जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी पर विस्तार में बात हो और सी ए और नागरिकता पर बात हो बेरुबाड़ी का जिक्र मैंने एक बार किया था उस पर बात हो तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अभी थोड़ी सी मेरी व्यस्तता ज़्यादा है लगभग दस पंद्रह दिन और अभी हैं दृष्टि की जो ऐप आने वाली है मैं उस पर काम करने में लगा हूँ अभी बार वो हो जाए तो मैं इन टॉपिक्स पे फिर से आपसे बात कर लूंगा विस्तार में बात कर लूंगा ये सभी टॉपिक्स मेरे बहुत प्रिय टॉपिक्स हैं तो इन पर बात करने में कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल हम इथेक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज इथेक्स की सीरीज के तीसरे एपिसोड में मैं तीन शब्द लेकर आया हूँ और वो तीन शब्द ऐसे हैं जिसका सुझाव आप लोगों ने सबसे ज्यादा मात्रा में दिया कौन से शब्द हैं सबसे पहले उन तीन शब्दों को नोट कर लेते हैं पहला शब्द है इंटेग्रिटी मुझे उम्मीद है कि आप इस शब्द को पहचान पा रहे होंगे हमारे पाठ्यक्रम का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई एक शब्द चुनना हो इस सिलेबस में तो मेरे ख्याल से इंटेग्रिटी को ही चुना जाएगा एक दूसरा शब्द है ओनेस्टी और मेरा ख्याल था कि मैं इन दोनों शब्दों पर बात करूंगा लेकिन जो सुझाव आए उसमें एक शब्द का जिक्र इन दोनों के साथ बार बार कई बच्चों ने किया कि इस पर भी हम चाहते हैं क्लैरिटी मिले और वो तीसरा शब्द है प्रोबिटी तो मुझे लगा कि क्यों ना इन तीनों शब्दों को एक साथ ही लेके हम बात कर इंटेग्रिटी क्या है ऑनेस्टी क्या है और प्रोबिटी क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों शब्दों का अनुवाद क्या क्या होगा ताकि चीजें हमारे सामने एकदम स्पष्ट रहें। इंटेग्रिटी के लिए हिंदी में शब्द चलता है सत्यनिष्ठा और आपने ये शब्द कई बार सुना होगा सत्यनिष्ठा ऑनेस्टी तो आप बचपन से ही सुन रहे होंगे इसके लिए क्या शब्द है इसके लिए शब्द है ईमानदारी और जो प्रोबिटी है उसके लिए शब्द कहीं कहीं ईमानदारी ही चल जाता है लेकिन जो अनुवाद आमतौर पर इसका मिलता है उसको बोलते हैं शुचिता तो हम शुचिता शब्द दिमाग में रख के चलते तो उससे बात थोड़ी सी ठीक रहेगी तो तीन शब्द हमारे सामने हैं पहला शब्द है इंटीग्रिटी यानी कि हिंदी में अगर कहें तो सत्यनिष्ठा कह सकते हैं तो एक सेट हमारे सामने ये हो गया एक हो गया ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी और तीसरा हो गया प्रॉबिटी यानी कि शुचिता इन तीन शब्दों में क्या अंतर है अगर अंतर है तो क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि शब्द इतने समानार्थक इनमें अंतर करना बड़ा मुश्किल है लेकिन मैंने आपसे पहले लेक्चर में कहा था कि अगर दो शब्द पूरी तरह समानार्थक हैं तो वो दो शब्द हो नहीं सकते उनके बदले एक शब्द होना चाहिए ये भाषा का मूल नियम है भाषा में दूसरा शब्द तभी बनता है जब उसमें पहले शब्द से कोई ना कोई अंतर हो ये हो सकता है कि वो अंतर हर जगह ना हो किसी खास कंटेक्स्ट में हो पर कम से कम कंटेक्स्टुअल डिफरेंस तो दो शब्दों में होगा हो ही होगा और अगर कोई भी अंतर नहीं है सौ प्रतिशत समानता है तो फिर वो दो शब्द नहीं है उनको एक शब्द मानना पड़ेगा ये भाषा की समस्या होती है बहरहाल अगर सिलेबस की प्लेसिंग की बात करनी हो तो इंटेग्रिटी का जिक्र आपके टॉपिक नंबर तीन में किया गया है टॉपिक नंबर तीन आपको पता है उसका एक हिस्सा है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज यानी सिविल सेवा के लिए जो बुनियादी मूल्य हैं फाउंडेशनल वैल्यूज हैं उनमें से एक मूल्य इंटीग्रिटी को माना गया है ऑनेस्टी आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है लेकिन परीक्षा में कहीं कहीं जिक्र आ जाता है ईमानदारी का क्योंकि ईमानदारी और ऑनेस्टी और ये इंटीग्रिटी कुछ लोग मानते हैं कि तो एक ही बात है इनमें कोई अंतर है ही नहीं जहाँ तक प्रॉबिटी की बात है या शुचिता की बात है ये आपके पाठ्यक्रम के टॉपिक नंबर सात में लिखा हुआ है टॉपिक नंबर सात का मेन हेडिंग ही है जिसका नाम है प्रॉबिटी इन गवर्नेंस या शासन में शुचिता या शासन में कहीं कहीं ईमानदारी भी लिखा होता है क्योंकि प्रोबिटी का हिंदी अनुवाद ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है शुचिता मेरा ख्याल है कि नज़दीक है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जो शुचिता है वो तो प्योरिटी का अनुवाद है तो अनुवादों कि दुनिया में बहुत गड़बड़ झाला है हम अभी काम चलाने के लिए शुच्छता शब्द को लेकर चलते हैं इससे भी हम काम चलाएंगे आगे बाद में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है परीक्षा में जिस शब्द के लिए हिंदी में जो शब्द हो आप उसी को बेस मान के अपना उत्तर लिखें इसमें कोई बहुत तनाव की बात है नहीं जहाँ तक महत्व की बात है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन तीन टॉपिक्स पर विशेष रूप से इंटीग्रिटी और प्रॉविटी पर अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ दो में नया सिलेबस आया था 2013 में 14 में 17 में 18 में और 19 में इन पांचों वर्षों में कम से कम एक फुल क्वेश्चन फुल क्वेश्चन का मतलब इथिक्स में होता मतलब है करीब 15 नंबर वाला प्रश्न जो होता है वो इंटेग्रिटी या प्रोबिटी से पूछा गया है दो बार प्रोबिटी से तीन बार इंटेग्रिटी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश में अब तक एक जो मुख्य परीक्षा हुई नए पाठ्यक्रम की उसमें भी ये पूछा गया इंटेग्रिटी राजस्थान में जो 2018 की परीक्षा हुई उसमें भी इंटेग्रिटी पूछा गया है तो प्रशासन की दुनिया में शासन की दुनिया में जिन मूल्यों की बात करते हैं यदि उनमें सबसे ऊपर कोई मूल्य माना जाता है तो वो है इंटेग्रिटी और इसलिए भारत सरकार या राज्य सरकार में काम करते हुए यदि किसी व्यक्ति के बारे में ये कह दिया जाए कि इसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है इसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है ये समझ लीजिए कि उस अधिकारी के करियर के खत्म होने का सूचक है क्योंकि अब सरकार को उसकी सत्यनिष्ठा पर भरोसा नहीं है इसलिए सरकार किस मुँह से उससे काम करवाएगी तो हम क्या करेंगे हम ऐसा करते हैं कि पहले इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को समझने का प्रयास करते हैं जब इन दोनों का संबंध समझ लेंगे ठीक से उसके बाद नंबर तीन पर हम इसको लेकर आएंगे और फिर देखेंगे कि प्रोबिटी का संबंध इन दोनों के साथ कैसे बनेगा और इसलिए हमारी शुरुआत होगी जिन दो मूल्यों से उनका नाम हो जाएगा इंटीग्रिटी और ओनेस्टी तो मैं बोर्ड पर लिखता हूं इंटीग्रिटी और ओनेस्टी और अब मैं अंग्रेजी के शब्द का ही इस्तेमाल करूंगा ताकि परीक्षा में हिंदी में जो भी अनुवाद आ जाए आप बिना दबाव के ये समझ लें कि प्रश्न क्या पूछने की योजना परीक्षक की है जैसे कि आपको पता है कि मैं शुरुआत करता हूँ इन टॉपिक्स की किसी एग्जाम्पल से बात शुरू करता हूँ तो हम आज फिर एक एग्जाम्पल से बात शुरू करके देखते हैं और फिर आप तुरंत मेरा भाव समझ जाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ ठीक है एग्जाम्पल हम एक या दो लेके बात समझ सकते हैं आपने कोई ना कोई खेल तो खेला ही होगा और भारत का तो बच्चा बच्चा क्रिकेट तो खेलता ही खेलता है लड़के तो खेलते ही तो हैं लड़कियों को कई बार उतना एक्सपोजर उसका नहीं मिलता लेकिन हाँ वो भी रुचि ले सकती हैं तो मान लीजिए कि क्रिकेट का खेल चल रहा है ठीक है अब कल्पना कीजिए कि आप बॉलिंग साइड में हैं आप बॉलर हैं और मैच की आखिरी बॉल है मैच की आखिरी बॉल है और जो सामने आपके बैट्समैन है उस टीम को जीतने के लिए दो रन चाहिए बराबर करने के लिए एक रन चाहिए जीतने के लिए दो रन चाहिए।, चाहिए आप बॉलिंग कर रहे हैं आप ईमानदार आदमी आप खेल को खेल के रूप में खेलते हैं और खेल के नियमों का उल्लंघन करने से बचते हैं आपकी छवि भी अच्छी है वहाँ पर मैच बहुत क्रूशियल है यदि आपकी टीम हार गई तो आप अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे और एक टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और अगर आप जीत गए तो आप एक बहुत ख्याति लब्ध टूर्नामेंट में जीतने की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका सपना है आपकी टीम का सपना है सब कुछ है तो कल्पना कीजिए कि आपने बॉलिंग की आप बहुत लंबा रनअप लेके आए फास्ट बॉलर आप हैं मीडियम पेसर है मान लीजिए आपने बॉल फेंकी बैट्समैन ने अपने बैट से उस बॉल को मारा कैच जैसा कुछ था पर कैच हुई नहीं तो बैट्समैन भी बॉल की तरफ देखते देखते हल्का हल्का भाग रहा था कि कैच हो जाएगी तो फिर पेविलियन जाएगा फिर क्यों भागेगा और आप भी बॉल फेंकने के बाद बॉल की तरफ देखते देखते आगे बढ़ रहे थे तो मान लीजिए कि ये है पूरी क्रीज यहाँ तीन विकेटें यहाँ तीन विकेटें यहाँ बॉलर एंड है और यहाँ मान लीजिए बैट्समैन है और बॉल मान लीजिए इधर गई थी ये भी वहाँ देख रहा है और आप भी जो बैट्समैन था वो भी वहां देख रहा है अब बैट्समैन जानता है कि उसको रन तो चाहिए ही तो वो इधर देखते-देखते भी भाग रहा है इस तरफ और बॉलर की भी जिंदगी आपकी भी जिंदगी दांव पे लगी हुई है तो आप भी उधर देखते-देखते सामने की ओर भाग रहे हैं आप दोनों को नहीं पता कि आप एक दूसरे के आमने-सामने आ गए हैं भागते हुए उधर कैच ड्रॉप हो गई है फील्डर से और बहुत तेज बैट्समैन भागा रन लेने के लिए ताकि वो दो रन पूरे कर ही ले और ऐसा लगता है कि वो कर भी लेगा दो रन पूरे इतने में क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में यहां पर जबरदस्त टक्कर हो गई इस पॉइंट पर और जैसी टक्कर हुई बैट्समैन जोर से गिर गया ठीक अब आपने जानबूझ के नहीं गिराया बैट्समैन ने भी जानबूझ के ऐसा नहीं किया है इस संयुक्त से हुआ ऐसा और बैट्समैन जोर से नीचे गिरा और बैट्समैन के पैर में चोट लगी मौत जैसी आ गई है और वो किसी तरह से उठा लंगड़ाते हुए आगे चला यहां तक आ गया है और दूसरा रन लेने के लिए भाग रहा है आप भी यहां तक आ चुके हैं अच्छा टक्कर ऐसी हुई कि बैट्समैन जोर से गिरा आपको ज्यादा चोट नहीं लगी संयुक्त से एंगल ऐसा था कि जिसमें उसको चोट ज्यादा लगी है वो भी भागते भागते यहां आ रहा है सेकेंड रन पूरा करने वाला है इधर फील्डर ने बॉल फेंकी है आप यहां पहुंच चुके हैं और बॉल सीधे आपके हाथ में आ गई है अब सिचुएशन यह है कि यदि आप बॉल को तुरंत कैच करके विकेट पर मार देंगे तो बैट्समैन आउट हो जाएगा जो लंगड़ा के आ रहा है भागता हुआ किसी तरह से लगभग एक पैर पे जंप करते हुए आ रहा है क्योंकि उसका दूसरा पैर बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गया है और आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया था और क्रिकेट के रूल्स ये कहते हैं कि अगर संयोग से ऐसा हुआ है, तो किसी बॉलर को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा अब आपको तय करना है एक बैट्समैन जो गिर गया था नीचे आपसे टकरा कर अदरवाइज उसको दो रन लेने से कोई रोक नहीं सकता था और दो रन लेने का मतलब उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता था वो उस सिचुएशन में था और जैसे ही वो दूसरा रन पूरा करने वाला है आप जिससे टकरा कर वो गिर गया था आप अपनी बॉल को विकेट पे मार के उसको आउट कर सकते हैं और उसके आउट होते ही आपकी टीम जीत जाएगी आप जीत जाएंगे और आपको टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ये एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा शायद नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जाम्पल एकदम एग्जैक्ट है समझने के लिए मैं और भी एग्जाम्पल्स आपको देकर समझा दूंगा लेकिन फिलहाल हम इस एग्जाम्पल से काम चलाते हैं अब आपके सामने दो सिचुएशन है एक सिचुएशन यह है कि आप उसको आउट कर दें और एक सिचुएशन है कि आप उसको आउट ना करें और आप इस सिचुएशन में बॉल को विकेट पर मारने का फैसला छोड़ दें और उसे रन पूरा करने दें मैं जानता हूं कि यह बहुत विवादास्पद फैसला है मैं जानता हूं कि यह बहुत विवादास्पद सिचुएशन है अगर बात दो देशों की आ जाएगी भारत पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की आ जाएगी तो शायद दोनों देशों का लगभग हर व्यक्ति चाहेगा कि इस समय केवल वो करो जो देश के फ़ायदे में हैं बाकी चीज़ें भाड़ में जाएं इसलिए मैं आपको इंटरनेशनल मैच का एग्जाम्पल दे ही नहीं रहा ताकि सिचुएशन आपके लिए बहुत मुश्किल ना हो थोड़ी सी आसान रहे मोहल्ले का मैच है छोटा लेवल का मैच है लेकिन हाँ महत्वपूर्ण मैच है यदि इस व्यक्ति ने बैट्समैन को आउट कर दिया यदि बॉलर ने बैट्समैन को आउट कर दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बेईमान आदमी है क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं गिराया था अगर जानबूझ जानबूझ के के गिराता फिर तो बेईमान आदमी होता के नहीं गिराया बाई मिस्टेक ही हुआ जो हुआ और रूल्स के तहत वो एकदम है उसने एक भी रूल का उल्लंघन नहीं किया है तो यदि वो आउट कर देता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो ईमानदार आदमी है उसने जानबूझकर कुछ ऐसा गलत नहीं किया जो खेल की भावना के खिलाफ हो जो खेल के नियमों का उल्लंघन हो और मेरे ख्याल से सौ में से निन्यानवे प्लेयर्स यही करेंगे भी क्योंकि मैच जीतना बहुत बड़ी बात है और मैच जीतने के लिए आदमी क्या नहीं करता है जिंदगी ही तो एक मैच है जिंदगी भी तो एक रेस ही है हम सब रेस में दौड़ते हैं जीतने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने के लिए और आगे निकलने की कसक में कब कब हम अपने नियमों को अपने हित में यूज कर लेते हैं हम सब तो जानते ही हैं ये कहाँ छिपा हुआ है इस सौ में एक आध व्यक्ति ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से आप इस बात से शायद सहमत होंगे जो इस मामले में फैसला करेगा कि मैं आउट नहीं करूँगा उसके साथी खिलाड़ी उसको गुस्से से देखेंगे हो सकता है कि स्टेडियम में बैठे हज़ारों लोग या सैकड़ों लोग जो भी छोटे स्टेडियम में हो सकता है वो भी नाराज़गी से देखें इसका उल्टा भी हो सकता है कि स्टेडियम में बैठे लोग जोर ज़ोर से तालियां बजाएं क्योंकि वो अगर दूसरी टीम के समर्थक हैं तो तालियां बजाएंगे और अगर आपकी टीम के समर्थक थे तो नाराज़ भी हो सकते हैं लेकिन इस व्यक्ति के मन में केवल एक बात है कि मान लिया कि नियम मेरे पक्ष में है मान लिया कि देश या समाज या मेरा मोहल्ला इसकी भावनाएं मेरे पक्ष में हैं लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि अगर मैं जीत गया तो ये जीत कायदे से मेरी जीत है नहीं ये तो वो व्यक्ति चोट खा के गिर गया मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया और किसी मजबूर आदमी का फ़ायदा उठा लेना और फ़ायदा उठा के जीत जाना उस जीत को जीत नहीं कहते वो तो मौका है अवसरवाद है अपॉर्चुनिज़्म है और इसलिए इस व्यक्ति ने तय किया कि मैं आउट नहीं करूंगा इस वजह से हो सकता है कि वो खुद टीम से बाहर निकाल दिया जाए टीम से आउट हो जाए और इससे लोग पूछेंगे बोर्ड पूछेगा इंक्वायरी होगी लोग पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया और ये कहेगा कि सर जिस समय मुझे कोई नहीं देख रहा होता ना उस समय मैं खुद को देख रहा होता हूं और मैं खेलते हुए खेल की भावना के विरुद्ध नहीं जा सकता मेरे लिए खेल के नियमों से भी बड़ी है खेल की भावना और खेल की भावना ये सिखाती है कि खेलो जम के जीतने का प्रयास करो किंतु जीतने का प्रयास करने के लिए ओछेपन पे ना उतरो जीतने का प्रयास करने के लिए ऐसा कुछ मत कर दो कि खेल की मूल स्पिरिट खत्म हो जाए ईमानदारी की बात यह है कि उस व्यक्ति ने जो शॉट खेला और जो रन लिया उस रन को रोकने की कवत हमारी टीम में थी नहीं और ऐसे में मुझसे टक्कर खा के वो गिर गया इसलिए हम जीत जाए ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए मुझे ऐसी जीत का वारा नहीं है अब इसका परिणाम क्या होगा लोगों ने उससे पूछा पत्रकारों ने पूछा मान लीजिए या लोगों ने पूछा कि भाई अगर इससे तुम्हारा सिलेक्शन अगले मैच में ना हो उसने क्या सर मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयार हूं मतलब मेरा अगले मैच में सिलेक्शन ना हो मैं झेल लूंगा पर मैं ये नहीं झेल पाऊंगा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को आउट कर दिया जो दरअसल आउट नहीं होना चाहिए था और मैंने अपने फायदे के लिए खेल की मूल भावना से इनजस्टिस कर दिया इसे कहते हैं इंटेग्रिटी इसे कहते हैं सत्यनिष्ठा ईमानदारी बहुत बुरी चीज़ नहीं है ईमानदारी भी अच्छी चीज़ है लेकिन ईमानदारी से कहीं अच्छी चीज़ मानी जाती है इंटेग्रिटी और इस सेंस मानी जाती है तो मैं आपको ये समझाने के लिए पहले हल्क हाल का संक्षेप में समझाता हूँ कि ऑनेस्टी क्या है इंटेग्रिटी क्या है फिर एक और एग्जाम्पल लेके दोनों का रिश्ता समझते हैं और उसके बाद प्रोबिटी को लेकर बीच में आएंगे जिससे बात हमारे सामने और स्पष्ट हो जाएगी तो अब हम देखते हैं कि ऑनेस्टी क्या है और इंटेग्रिटी क्या है इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है पहले ऑनेस्टी को लेते हैं और उससे इंटेग्रिटी की यात्रा करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा ठीक है तो ओनेस्टी क्या है एक ही ऑनेस्टी क्या है ऑनेस्टी सीधी सी बात है एक वैल्यू है वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं मूल्य है एक मूल्य मूल्य का मतलब नैतिक आदर्श है हम जिन नैतिक आदर्शों का अनुसरण करते हैं अपने जीवन में उनको बोलते हैं कि वो हमारे मूल्य हैं ठीक है, है। मूल्य क्या होता है सद्गुण क्या होता है वर्च्यू जिसको बोलते हैं ना वैल्यू वर्च्यू इनका संबंध भी आगे इसलिए कभी समझेंगे जब वैल्यूज की बात करेंगे फिलहाल आप ये मान के चलिए कि वैल्यू या मूल्य का मतलब है इथिक्स की दुनिया में कि ऐसे नैतिक आदर्श जिनका हम सम्मान करते हैं जिनको हम अपने आचरण में डेवलप करना चाहते हैं विकसित करना चाहते हैं वो हमारे मूल्य हैं तो ऑनस्टी एक मूल्य है एक वैल्यू है ये वैल्यू क्या सिखाती है ये वैल्यू सिखाती है कि आप कभी भी नियमों का उल्लंघन ना करें आदर्शों का उल्लंघन ना करें नियमों का मर्यादाओं का उल्लंघन ना करना या नियमों और मर्यादाओं में रहना ओनेस्टी है किसी से छल कपट ना करना आप कह सकते हैं कि ये भी ओनेस्टी है आपने अगर छल नहीं किया किसी के साथ कपट नहीं किया तो आप कह सकते हैं कि यह ओनेस्टी के या ईमानदारी के कुछ खास मतलब माने जा सकते हैं ठीक अपना फ़ायदा उठाने के लिए किसी नियम मर्यादा का उल्लंघन ना करना इसका बेसिक सा मतलब यह हुआ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है जैसे आपने सुना भी होगा कि यदि कोई ऑफिसर है वो ऑफिसर एकदम करप्ट नहीं है तो आप कह सकते हैं करप्ट ना होना करप्ट ना होने का मोटा मोटा मतलब मैं लेके चल रहा हूँ कि रिश्वत ना लेना किसी काम को करने के लिए अपनी नौकरी से मिलने वाले वेतन के अलावा किसी अन्य अपेक्षा को न रखना चाहे वो अपेक्षा धन की हो रसूख की हो संबंधों की हो अन्य फायदों की हो किसी भी तरह की अन्य अपेक्षा को न रखना फिर ये भी हो सकता है कि यदि आप एक ऑफिसर हैं तो आप अपने काम को लेकर कमिटेड हैं पंक्चुअल हैं तो पंक्चुअल होना और कमिटेड होना आप कह सकते हैं कि ये सारे मूल्य ऑनेस्टी में शामिल हो जाते हैं अगर मैं अपने ऑफिस के लिए कोई काम कर रहा हूं तो मैं ऑफिस के प्रति प्रतिबद्ध हूं। मैं ऑफिस के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा, ऑफिस के हितों से समझौता नहीं करूंगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा व्यक्तिगत हित में कुछ गलत नहीं करूंगा यदि मुझसे अपेक्षा है कि मैं सुबह दस बजे ऑफिस पहुंच जाऊं शाम छः बजे तक ऑफिस में रहूं तो मैं ठीक दस बजे पहुंच जाऊंगा और शाम छः बजे तक ऑफिस में रहूंगा मैं ऐसा नहीं करूंगा कि दस कर साढ़े दस कर दूंगा और शाम के समय साढ़े चार बजे के बाद से ही इस भाव से बैठने लगूंगा कि अब बस जाना है जाना है नहीं ईमानदारी से काम करूंगा जो ऑफिस का टाइम तय है उस टाइम में ठीक से काम करना ये सारे मूल्य मिला दें तो इसको हम बोलेंगे कि ऑनेस्टी है अब सवाल है कि अगर ये ऑनेस्टी है तो फिर इंटीग्रिटी क्या है तो इंटीग्रिटी के लिए हम फिर आगे समझ लेते हैं इंटीग्रिटी क्या है इंटेग्रिटी दरअसल ऑनेस्टी ही है अंतर सिर्फ ये है कि जब हम ऑनेस्टी को थोड़ा सा और गहरे स्तर पर ले जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब मामला इंटेग्रिटी का हो गया है कैसे हो गया है इंटेग्रिटी भी एक वैल्यू है इंटेग्रिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं ध्यान आपको सत्यनिष्ठा हाँ ये भी एक वैल्यू है किस चीज की वैल्यू है ये एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचने की कोशिश है जहां दो चीज़ों के बीच में फुल इंटीग्रेशन हो कम्प्लीट इंटीग्रेशन हो इंटीग्रेशन का मतलब होता है दो चीज़ों का या दो से अधिक चीजों का आपस में पूरी तरह से कनेक्टेड होना जहां बिखराव का स्कोप ना हो उसको बोलते हैं पूरी तरह से कनेक्टेड होना इंटीग्रेशन हो किस किस के बीच में हो पहली बात तो ये फुल इंटीग्रेशन होना चाहिए ठीक है अगर दो चीजों के बीच में फुल इंटीग्रेशन है किस किस के बीच में एक है वैल्यूज मैं जिन मूल्यों को मानता हूं मैं जिन मूल्यों को नैतिक आदर्शों को अपने लिए अच्छा मानता हूँ एक तो उनमें और उनके साथ मेरा जो आचरण है आचरण के लिए इथेक्स की दुनिया में शब्द चलता है कंडक्ट यदि मेरे मूल्यों और मेरे आचरणों में या मेरे आचरण में 100 प्रतिशत या लगभग 100 प्रतिशत इंटीग्रेशन है एकीकरण है तो मैं कहूंगा कि मैं जिस स्थिति में हूं उस स्थिति का नाम है इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जिन मूल्यों को मानता हूं तो मूल्य हैं और आचरण का मतलब है मैं जो व्यवहार करता हूं नैतिक सिचुएशंस में नैतिक स्थितियों में नैतिक स्थिति का मतलब जिन स्थितियों में हम नैतिक या अनैतिक आचरण कर सकते हैं अनैतिक हो जाना बहुत आसान होता है नैतिक बने रहना मुश्किल काम होता है लेकिन जिन स्थितियों में मैं अनैतिक हो सकता हूं या नैतिक हो सकता हूं मैं उन स्थितियों में एग्जैक्टली exactly वही करता हूं जो मेरे नैतिक मूल्य मुझसे अपेक्षा करते हैं यदि मैं हमेशा वही करता हूं एग्जैक्टली वही करता हूं सौ प्रतिशत या लगभग 100 प्रतिशत इंटीग्रेशन के साथ करता हूं तो हम कहेंगे कि यह व्यक्ति इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति है क्योंकि इसके जीवन में इसकी वैल्यूज और इसके कंडक्ट के बीच में इंटीग्रेशन है 100 प्रतिशत या लगभग 100 प्रतिशत एकीकरण हो चुका है इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रिटी के लिए एक दो बातें और कही जाती हैं जिनको हम यहां पर समझ सकते हैं इंटेग्रिटी में अपेक्षा होती है कि व्यक्ति चट्टान की तरह मजबूत रहे रॉक सॉलिड रहना चाहिए तो एक विशेष बात होती है मजबूती ईमानदारी में हो सकता है कि उतनी मजबूती ना हो लेकिन इंटेग्रिटी वाले व्यक्ति में मजबूती बहुत ज्यादा होती है अच्छा ओनेस्टी आमतौर पर दूसरों की निगाह में ज्यादा दिखती है इंटेग्रिटी का संबंध अपनी निगाह से ज्यादा होता है अपनी नजर से इसका एक विशेष संबंध होता है और इसका मतलब क्या है मैं ऑनेस्ट हूं तो इसमें निहित है कि मैं तो हूं ही लेकिन दूसरों की निगाह में ऑनेस्ट होने का बड़ा महत्व है इंटीग्रिटी का संबंध दूसरों की निगाह से उतना नहीं है जितना आपकी निगाह से है और इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख रहा होता अंधेरे में और भीड़ में व्यक्ति आमतौर पर अनैतिक क्यों हो जाता है क्योंकि उसको ये भरोसा होता है कि कोई उसको देख नहीं रहा अगर भीड़ है और भीड़ ने कुछ बदतमीजी कर दी है और सबको अच्छे से पता है कि इतनी भीड़ है और कहीं कैमरा वैमरा लगा नहीं हुआ है तो भीड़ में क्या होता है भरोसा होता है कि कोई भी करेगा अगर मैं भी करूँगा तो भी नाम मेरा नहीं आएगा बल्कि ये आएगा कि भीड़ ने ऐसा कर दिया अंधेरे में घुप अंधेरे में जहां सुनसान इलाका है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है या ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति है अगर आप उसके साथ गलत बर्ताव करेंगे तो भी कोई सबूत नहीं है कोई प्रमाण नहीं है वहां अक्सर ये खतरा होता है कि हम अपने नैतिक मूल्यों से नीचे उतर जाएं, क्योंकि कोई देख नहीं रहा ओनेस्ट व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में एक बार फिसल सकता है क्योंकि ऑनेस्टी का संबंध काफी हद तक समाज की नज़र से है दूसरों की नज़र से है पर इंटेग्रिटी वाला व्यक्ति ये मान के चलता है कि जब कोई दूसरा नहीं देख रहा उस समय मैं खुद को देख रहा हूँ तो कोई नहीं देख रहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है इतना तो है ही मैं तो देख ही रहा हूँ और यदि मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं गलत काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी निगाह में गिर जाऊंगा तो फिर दूसरों की निगाह से मैं क्या फ़ायदा उठा लूंगा ये होती है इंटीग्रिटी और इसलिए जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें रॉक सॉलिड होना वॉचफुल अपने बारे में खुद होना जब कोई नहीं देख रहा तब मैं तो खुद को देख ही रहा हूं इस तरह के वाक्यों का प्रयोग अक्सर किया जाता है इंटीग्रिटी को समझने और समझाने के लिए अब इन दोनों के बीच का संबंध अगर समझना हो तो संबंध समझने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके और फिर उसमें से संबंध निकल जाएगा कि इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के बीच में संबंध क्या है पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे मैंने अभी जो आपको बात समझाई पहले तो क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था अब मैं आपको देता हूं ऑफिस की दुनिया का एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव दुनिया का एग्जाम्पल ठीक है एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए एक कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में जिसके लिए देश भर के ऑफिसर्स को बुलाया गया है ठीक है कॉन्फ्रेंस है और मान लेते हैं कि कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में एक्स नाम के स्थान पर एक होटल है या सरकारी ऑफिस है और सभी लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है वाई नाम के स्थान पर जो कि गेस्ट हाउस है या होटल है कुछ भी मान लेते हैं कि है अब सरकार के पास उतनी गाड़ियां नहीं है कि सभी को गाड़ियां दें क्योंकि वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है मान लीजिए सात सौ मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सरकार ने एक सिंपल सा नियम बनाया कि भाई वाई स्थान से एक्स स्थान पर आने के लिए अधिकारियों को ये सब अधिकारी लोग हैं सीनियर अधिकारी हैं सरकार ने देखा कि इतनी जगह पर आने के लिए यदि कोई व्यक्ति टैक्सी से आता है ये सब सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो एक अच्छी एयर कंडीशन टैक्सी के लिए एलिजिबल हैं तो सरकार ने फिक्स कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी टैक्सी से आने के लिए और वापस जाने के लिए अगर दिन भर के लिए कोई गाड़ी किराए पर लेता है तो उस गाड़ी में खर्चा होता है दो हज़ार के आसपास अठारह सौ उन्नीस सौ हुआ होता है तो सरकार ने ये सोचा कि हम क्यों अपने किसी भी अधिकारी को परेशान करें तो सरकार ने तय कर दिया कि जो भी अधिकारी इस मीटिंग में आएगा और वाई स्थान पर रह रहा होगा और एक्स स्थान पर मीटिंग में आएगा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की ओर से एक चेक या कैश अमाउंट दो हज़ार का दिया जाएगा एक ही दिन की कॉन्फ्रेंस मान लेते हैं सामान्य सी बात है और सरकार ने कहा कि हमें कोई सबूत नहीं चाहिए कि आप टैक्सी से आए आपने कितना किराया दिया सरकार ने कहा कि सिंपल हम इसको रखेंगे हम ये एज्यूम कर लेंगे कि आप टैक्सी से आए हैं अब जैसे भी आए हों हम आपको दो हजार रुपये प्रति व्यक्ति देंगे ताकि कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी अधिकारी को कोई व्यक्तिगत अहित ना हो नुकसान ना हो और उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी अधिकारी आए थे ए आया था उसने लिया बी आया था उसने भी लिया सी आया था उसने भी लिया लेकिन डी ने अचानक कहा कि मैं नहीं लूंगा क्यों कहा भाई तो ए भी वहां से आया बी भी, भी वहां से आया सी भी वहां से आया डी भी वहां से आया लेकिन हुआ यह कि जब सुबह निकल रहे थे तो डी ने पाया कि जो सी है उसकी टैक्सी आ गई है और वो अपनी टैक्सी में अकेला जा रहा है सी और डी अच्छे दोस्त भी हैं तो डी ने उससे वैसे ही पूछा कि भैया अकेले जा रहे हो तो उससे हाँ आ रहे हैं तो आ साथ चलते हैं उसने कहा ठीक है मैं साथ चलता हूँ साथ में बैठ गया और जब पेमेंट करने की बारी ये तो सी ने पेमेंट कर दी और ये हुआ कि ठीक है सी ने पेमेंट की है तो वहाँ से मिल ही जाएगा और वहाँ जब पैसा मिल रहा था तो सी ने भी लिया मज़े की बात है कि ए और बी भी एक साथ आए थे और इतना ही नहीं कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि तीन लोग साथ में आए थे कुछ ऐसे भी थे कि उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए हुए थे और रिश्तेदारों ने जाते हुए उनको छोड़ दिया था मीटिंग के स्थान तक कि मैं आपको छोड़ देता हूं लेकिन ए और बी जो एक ही कार में आए थे उन दोनों ने वहां पर दो दो हजार रुपए लिए क्योंकि नियम स्पष्ट था कि हम प्रत्येक अधिकारी को दो हजार रुपये देंगे हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि आप टैक्सी लेकर आए हैं और ये नियमों के तहत एकदम सही बात है अब मैं कहूंगा कि ए ऑनेस्ट है बी ऑनेस्ट है इन्होंने कोई बेईमानी नहीं की है मतलब नियम के विरुद्ध नहीं गए हैं नियम का उल्लंघन नहीं किया इन लोगों ने लेकिन जो डी है वो सिर्फ ऑनेस्ट ना होकर के वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी है वो भी चाहता तो ले ही लेता कौन मना करता उसको और जब एक क्लर्क ने जो सबकी पेमेंट्स रहा था वो उसके पास आया उसने कहा कि सर ये आपके लिए चेक बना दिया या आपका कैश है सर ये अनवलप है साइन कर दीजिए और उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए आप ले लेजिए उसने कहा अरे सर सबके लिए है सर वो सेंक्शन हो चुका है सर वो देना ही है सबके लिए है और उसने घूरती हुई नज़र से देखा और इतना ही कहा कि देखो मैं टैक्सी से नहीं आया हूँ मेरा खर्चा नहीं हुआ इसलिए मैं किसी भी सूरत में ये पैसे नहीं लूँगा उस व्यक्ति ने कहा कि सर आप टैक्सी से आए हैं या नहीं इसका न प्रमाण चाहिए न सरकार ये मान के चल रही कि सब टैक्सी से आए हैं सरकार ने इतना ही किया है कि क्योंकि सरकार कार नहीं दे पाई सबको तो सरकार ने कहा कि हम सबको पे करेंगे तो सर ये आपका एंटाइटलमेंट है ये आपका अधिकार है उसने फिर कहा कि देखो मैं नहीं लूंगा मैं ऐसा पैसा ले ही नहीं सकता जिसके लिए मैं मॉरली एथिकली इंटाइटल्ड नहीं हूं एडमिनिस्ट्रेटिवली होना होना एक बात है. होना दूसरी बात है है दूसरी क्योंकि मैंने यहां आने के लिए खर्च किया ही नहीं जहां तक वापसी की बात है तो मैं जैसे आया था वैसे वापस भी जाऊंगा किसी के साथ अपने दोस्त के साथ ही जाऊंगा तो मैं क्यों पैसे लू उसने पैसे लिए हैं ठीक किए है, क्योंकि उसने खर्च किए है एकदम ईमानदारी की बात है ये जो अंतर है नियमों में रहते हुए अपना व्यक्तिगत लाभ अगर मिल रहा हो तो ठीक है उठा लेते हैं इसको अब बेईमानी नहीं कहेंगे ये ऑनेस्टी की परिधि में शामिल हो जाता है लेकिन नियमों की मूल भावना को समझते हुए नियमों से ऊंचे स्तर पर चले जाना और जब नियम मुझे कोई फायदा पहुंचा रहे हो अवैध फायदा तब उन नियमों को भी खारिज कर देना क्योंकि मुझे अवैध फ़ायदा नहीं चाहिए इसको बोलते हैं इंटेग्रिटी और इसलिए जब आपको इन दोनों के संबंध की बात करनी हो और संबंध का मतलब क्या होता है इनमें कुछ समानताओं की बात करनी होगी कुछ अंतरों की बात करनी होगी और फिर ये देखना होगा कि इनका को संभव होता है या नहीं होता है, है ना तो यदि आपको इनके संबंध की बात करनी है तो संबंध में पहले क्या होता है पहले होता है कि समानताएं इनमें क्या हैं फिर होता है कि इनमें अगर कोई अंतर है तो इनमें अंतर क्या है जो आपको समझ में आएगा होगा फिर यह है कि इनके बीच का जो संबंध है रिलेशनशिप है इनका को आपस में संभव है या नहीं है ये एक दूसरे के साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं इस मामले में क्या रिलेशनशिप बनेगा तीन बातें स्पष्ट होनी चाहिए जहाँ तक समानता की बात है कोई विशेष बात बताने की नहीं समानता ये है कि इन दोनों में ही व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति नैतिक आचरण करेगा और जो व्यक्ति नैतिक आचरण करता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है ये तो बेसिक सी बात है ही अंतर जहां तक है इनमें अंतर डिग्रीज का है और डिग्रीज का मतलब ये हुआ कि जब ओनेस्टी की डिग्री बढ़ती जाती है तो हम कहते हैं कि अब मामला इंटेग्रिटी का हो गया और यदि मुझे इनका रिलेशनशिप समझाना हो तो इनमें बहुत अंतर नहीं है अंतर केवल दो चरणों का है यूं समझ लीजिए कि एक सीढ़ी है जैसे मान लीजिए और इस सीढ़ी पर आपको चढ़कर ऊपर जाना है अगर इस सीढ़ी के हर पाए को हम एक मूल्य मान लें तो मैं ये कहूंगा कि ये अगर ओनेस्टी है तो ये जो स्तर है ये इंटेग्रिटी का स्तर है ओनेस्टी के लेवल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है किंतु ऑनेस्टी के लेवल को पार करने के बाद जब आप अगले लेवल्स पे आते हैं तब इंटेग्रिटी का लेवल आता है और यदि आपको ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के बीच की सीढ़ियां या पाए समझ में आ गए हों तो इनका रिलेशन समझना तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा आप खुद बताइए इसको देखकर कि इंटेग्रिटी विदाउट ऑनेस्टी एक तो यह स्थिति हो सकती है और एक हो सकता है ऑनेस्टी विदाउट इंटेग्रिटी आप खुद बताएं कि इनमें से क्या संभव है और क्या असंभव है तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बताइए कोई व्यक्ति इंटेग्रिटी वाला हो सत्यनिष्ठा वाला हो किंतु ईमानदार ना हो क्या यह संभव है आप कहेंगे नहीं ये संभव नहीं है क्योंकि ऑनेस्टी से ऊपर स्तर पर आती है इंटेग्रिटी बिना ऑनेस्ट हुए कोई व्यक्ति इंटेग्रिटी वाला नहीं हो सकता लेकिन बिना इंटेग्रिटी वाला हुए व्यक्ति ऑनेस्ट हो सकता है अगर कोई व्यक्ति इस लेवल पर अभी पहुंचा है अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचा है तो हम क्या कहेंगे ऑनेस्टी तो है इंटेग्रिटी नहीं है और इसका मतलब ऑनेस्टी हैिटी के बिना एग्जिस्ट कर सकती है किंतु इंटेग्रिटी ऑनेस्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों शब्दों का संबंध एकदम ठीक से समझ पा रहे होंगे और यदि आपको ये समझ में आ गया तो हम तीसरे शब्द को भी जल्दी से ले इस बात को समाप्त करते हैं और जो तीसरा शब्द है हमारा आज का वो शब्द है प्रोबिटी और प्रोबिटी के लिए हमने हिंदी में जो शब्द चुना था आपको ध्यान ही है वो शब्द क्या था शुचिता हालांकि मैं बार बार आपसे कहूंगा कि परीक्षा में अनुवाद क्या आएगा कहना मुश्किल है तो वहां देख लीजिएगा क्या अनुवाद यूपीएससी ने या यूपीपीसीएस ने या फिर किसी और पीसीएस एग्ज़ाम ने पूछा है देख लीजिएगा प्रोबिटी क्या है देखिए इस बात को लेकर बहुत दुविधा रहती है कि प्रोबिटी को हम कैसे डिफाइन करें तो मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि प्रोबिटी का अर्थ देखने के दो तरीके हैं और उसमें से जो पहला तरीका है जो उसका महत्वपूर्ण तरीका है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस में प्रोबिटी क्या है और दूसरा हम देखेंगे इंडिविजुअल रेफरेंस में प्रोबिटी का मतलब क्या है तो पहला है इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस इंस्टीट्यूशन आपको पता है संस्था होती है तो आप कह सकते हैं कि संस्थागत संदर्भ में इसका मतलब ये हुआ तो इंस्टीट्यूशनल सेंस में या इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस में आप इनमें से जो भी शब्द अच्छा समझते हो उसका प्रयोग करें और मैं इसको हिंदी में लिखता हूं संस्थागत संदर्भ इसका एक मतलब तो ये होता है ठीक है और दूसरा मतलब जो इसका होता है दरअसल प्रॉबिटी और इंटेग्रिटी इतने नजदीकी शब्द हैं कि ऐसा लगता है कि ये दो शब्द क्यों बनाए गए हैं इसको समझने का यही संदर्भ सबसे अच्छा है जो दूसरा है उसको आप कह सकते हैं इंडिविजुअल रेफरेंस या इंडिविजुअल सेंस में इंडिविजुअल रेफरेंस में जो भी आपको लगे इसको आप कह सकते हैं व्यक्तिगत संदर्भ किसी व्यक्ति के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हम इस सेंस में या इस संदर्भ में इसका प्रयोग कर सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ इसे यूं समझे जैसे मैं कहता हूं कि राम एक ऑनेस्ट व्यक्ति है क्या मैं कह सकता हूं कि राम जिस कंपनी में काम करता है जिस एनजीओ में काम करता है वो एक ऑनेस्ट कंपनी है ऑनेस्ट एनजीओ है ईमानदार एनजीओ कह सकता हूं कोई दिक्कत नहीं लेकिन ईमानदारी शब्द का ज़्यादा अच्छा प्रयोग होता है किसी व्यक्ति के संदर्भ में भारत सरकार ईमानदार है इससे ज़्यादा अच्छा लगता है कि भारत सरकार का यह मंत्री बेहद ईमानदार है गलत वो भी नहीं है अब इंटेग्रिटी की बात कीजिए सत्यनिष्ठा की बात कीजिए अगर मैं कहूँ कि ही इज़ ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी या शी इज़ ए वूमेन ऑफ इंटेग्रिटी वह व्यक्ति सत्यनिष्ठा से युक्त व्यक्ति है ठीक है अगर मैं कहूं कि दिस इज ए कंपनी ऑफ इंटेग्रिटी यह कंपनी सत्यनिष्ठा से भरी हुई है गलत नहीं है पर यह उतना सटीक नहीं है और इसलिए अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी इनका ज़्यादा संबंध होता है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करने से जबकि प्रोबिटी शब्द का प्रयोग सामान्यतः जब हम करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्राथमिक संदर्भ होता है कोई इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस में आता है और इसलिए टॉपिक नंबर सात में जहां इसका रेफरेंस है हमारे पाठ्यक्रम में वहां लिखा है प्रोबिटी इन गवर्नेंस प्रोबिटी इन इंडिविजुअल्स की बात वहां पर नहीं की गई है इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल्स में प्रोबिटी नहीं होती है वो भी होती है लेकिन प्रोबिटी शब्द का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है किसी इंस्टीट्यूशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में और वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है वो हो सकता है कि भारत की सरकार हो गवर्नमेंट हो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिस हो जैसे हम कहें कि हमारे जो होम मिनिस्ट्री है उसमें प्रोबिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है हम कह सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि जो सी ए जी जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर द इंस्टीट्यूशंस वो ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार के कार्य में कामकाज में प्रोबिटी को सुनिश्चित करती हैं हम ये भी कह सकते हैं प्रोबिटी किसी प्रक्रिया में भी हो सकती है जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एक लेख पढ़ रहा था किसी अच्छे अंग्रेजी अखबार में था जिसका जो शीर्षक था या मतलब जो उसका मेन क्रक्स था वो ये था कि राज्यसभा के इलेक्शन चल रहे हैं देयर शुड बी प्रोबिटी इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा तो राज्यसभा के चुनावों की प्रक्रिया में शुचिता होनी चाहिए अब ईमानदारी होनी चाहिए सत्यनिष्ठा होनी चाहिए राज्यसभा के चुनावों में ये उतना सूट नहीं करता जितना सूट करता है शुचिता होनी चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पर प्रोबिटी का संबंध है किसी इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन अपने आप में ऐसा हो कि वहाँ पर जो प्रणालियाँ हैं कार्य की जो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं एस हैं कार्य की पद्धतियाँ हैं वो पद्धतियां अपने आप में ऐसी हों कि वहां पर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने की स्थिति बनी रहे तो यदि किसी इंस्टीट्यूशन में ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोबिटी या गवर्नेंस जो है वो प्रोबिटी वाली गवर्नेंस है इस संदर्भ में अगर मैं एक शब्द का प्रयोग और करना चाहूं जो आपके पाठ्यक्रम में ही लिखा हुआ है वो शब्द है वर्क कल्चर जिसको हिंदी में कहते हैं कार्य संस्कृति और जब हम किसी संस्था के बारे में बात करते हैं या किसी संगठन के बारे में बात करते हैं कि उस संगठन में प्रॉबिटी है या नहीं तो हमारा जो संदर्भ होता है वो दरअसल उसी कार्य संस्कृति से होता है और कार्य संस्कृति यानी कि जो वर्क कल्चर है इसका मतलब होता है कि किसी संगठन में काम करने के बारे में कैसी संस्कृति है कैसा माहौल है कैसा वातावरण है कुछ संगठन इस तरह से काम करते हैं कि वहां ईमानदारी सत्यनिष्ठा अपने आप सुनिश्चित होती रहती है तो हम कहेंगे कि उस संगठन की कार्य संस्कृति ऐसी है जो प्रोबिटी को डिफाइन करती है जो प्रोबिटी को निश्चित करती है सुनिश्चित करती है लेकिन किसी किसी संदर्भ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा संगठन हो जहाँ पर बेईमानी चरम पर हो जहाँ ऊपर से नीचे तक सारे व्यक्ति और उन्होंने जो तरीके बना रखे हैं काम करने के वो तरीके ऐसे हैं जिनसे प्रोबिटी न हो ये सुनिश्चित हो जाता है इसलिए टॉपिक नंबर सेवन में जहां लिखा है प्रोबिटी इन गवर्नेंस वहां वो तरीके बताए गए हैं कि कैसे हम प्रोबिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं उसके लिए कोड ऑफ़ कंडक्ट हो सकता है कोड ऑफ इजिक्स हो सकता है राइट टू तो इन्फॉर्मेशन हो सकता है सिटीजन चार्टर हो सकता है और करप्शन को रोकने के बाकी उपाय क्या हो सकते हैं वो हो सकते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस हो सकता है ये सारे तरीके मिलजुल कर अकाउंटेबिलिटी का जिक्र है ये सारे तरीके मिलजुल कर सुनिश्चित करते हैं कि संगठन में प्रोबिटी हो संगठन में शुचिता हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रोबिटी शब्द का प्रयोग केवल इंस्टीट्यूशन के, के संदर्भ में होगा यह इंस्टीट्यूशन की वैल्यू तो है ही क्योंकि वैल्यूज केवल व्यक्ति की नहीं होती हैं वैल्यूज इंस्टीट्यूशन की भी होती हैं संस्थाओं की भी होती हैं और इसलिए आप पाएंगे कि प्राइवेट कंपनी की बात करें सरकारी कंपनी की बात करें जैसे टाटा एक कंपनी है उसके नाम के साथ जो वैल्यू सिस्टम जुड़ा है ठीक वो वैल्यू सिस्टम नहीं जुड़ा होगा किसी और कंपनी के साथ क्योंकि हर कंपनी में काम करने वाले जो प्रमुख लोग हैं उनके वैल्यू सिस्टम से कंपनी का वैल्यू सिस्टम भी डिफाइन होता है इसलिए कोई एन हो कोई स्कूल हो कॉलेज हो हॉस्पिटल हो कोई प्राइवेट uh, कंपनी हो उन सबका एक वैल्यू सिस्टम होता है और किसी कंपनी की वैल्यूज में प्रोबिटी अगर है तो हम कहेंगे प्रोबिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोबिटी इन गवर्नेंस प्रोबिटी इन इंस्टीट्यूशन प्रोबिटी इन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है लेकिन प्रोबिटी तो का एक दूसरा मतलब भी है और दूसरे मतलब में वो बन जाता है व्यक्तिगत संदर्भ और व्यक्तिगत संदर्भ का मतलब है जैसे ओनेस्टी और इंटीग्रिटी व्यक्ति में दिखने वाले मूल्य हैं वैसे प्रोबिटी भी व्यक्ति में दिखने वाला मूल्य हो सकता है तो सवाल है कि प्रोबिटी व्यक्ति में दिखने वाले मूल्य के रूप में कैसे होगा उसमें अंतर कैसे होगा ईमानदारी और सत्य निष्ठा से अब हमारा असली प्रश्न ये हो जाएगा तो हम ऐसा करते हैं एक बार फिर से शब्द लिखते हैं प्रोबिटी और अब प्रोबिटी को हम किस संदर्भ में ले रहे हैं व्यक्तिगत संदर्भ में लेकर बात कर रहे हैं कि प्रोबिटी इन इंडिविजुअल सेंस व्यक्तिगत संदर्भ में इसका मतलब क्या हो सकता है व्यक्तिगत संदर्भ में यह शब्द इतना नजदीक है इंटेग्रिटी के कि बड़े बड़े विद्वानों को इस बारे में बड़ी दुविधा रहती है कि इन दोनों में हमको अंतर करें या ना करें या एक ही मान लें इनको और आप इंटरनेट पर देखेंगे डिक्शनरीज में देखेंगे तो पाएंगे कि आम तौर पर प्रॉबिटी का अर्थ क्या बताया जाएगा ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी लेकिन मैंने आपसे कहा था कि भाषा की दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता कि दो शब्द सौ प्रतिशत पर्यायवाची हों कुछ तो अंतर रहता है जैसे एक अंतर तो हो ही गया कि आप इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं इंडिविजुअल रेफरेंस में और कम कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस में जबकि प्रॉबर्टी शब्द का प्रयोग प्रधानतः होता है इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस में गौणतः होता है व्यक्तिगत संदर्भ में तो व्यक्तिगत संदर्भ में अगर प्रॉबर्टी को डिफाइन करना हो तो ये क्या है ये भी एक वैल्यू है और ये वैल्यू भी लगभग वही है जिसको आप कह सकते हैं इंटेग्रिटी जिसको आप कह सकते हैं ऑनेस्टी तो इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी की वैल्यू में जो विशेषताएं थी वो दोनों इसमें भी विशेषताएं हैं यहां तक इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस वैल्यू का संबंध पर्सनल लाइफ से नहीं है इस वैल्यू का संबंध केवल इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के साथ है तो हम कह देते हैं इंस्टीट्यूशनल या प्रोफेशनल या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रेफरेंस में अब देखिए पिछला जो मतलब था मैं फिर से वो नहीं कह रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉबर्टी हो एक चीज है यहां मैं जो बात कर रहा हूं कोई व्यक्ति अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय प्रॉबिटी यानी ईमानदारी बरतता है अब मैं ये बात कर रहा हूं पहले जो मतलब था वो क्या था ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप में प्रॉबर्टी का मूल्य होना चाहिए अब हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी संगठन में काम करता है वो संगठन के कार्यों में पूरी ईमानदारी बरते, सत्यनिष्ठा बरते तो हम कहेंगे कि वो प्रोबिटी की वैल्यू के साथ काम करता है इसमें भी अगर कहना हो तो सबसे विशेष संदर्भ होता है फाइनेंशियल संदर्भों में वित्तीय मामलों में अगर कोई व्यक्ति वित्तीय मामलों में शुचिता का पूरा ध्यान रखता है ईमानदारी का पूरा ध्यान रखता है तो हम विशेष रूप से कहते हैं कि यहां इस शब्द का प्रयोग अच्छे तरीके से किया जा सकता है कि वो ही और शी इज ए पर्सन ऑफ प्रोबिटी ये कह सकते हैं एक बात और भी है और वो ये है कि मैंने जो पहले भी आपसे कहा कि इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ में कैसा है तो मैं एक बात लिखता हूं व्यक्तिगत जीवन से तटस्थ रहते हुए व्यक्तिगत जीवन से अलग रखते हुए इेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल वैल्यू सिस्टम यह बात थोड़ा सा आपको सुनने में गड़बड़ लगेगी तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं उससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इपेक्टिव ऑफ पर्सनल वैल्यू सिस्टम ठीक ऐसा इसका मतलब क्या हुआ एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए बात समझ में आ जाएगी देखिए एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो ऑफिस में भी बेईमान हो घर पे भी बेईमान हो दोस्तों के साथ भी बेईमान हो पड़ोसियों के साथ भी बेईमान हो आप कहेंगे बेईमान तो है पर इसके व्यवहार में कंसिस्टेंसी है कंसिस्टेंसी का मतलब हर जगह एक जैसा है तो बेईमानी में कंसिस्टेंसी हो सकती है ऐसे ही ईमानदारी में भी कंसिस्टेंसी हो सकती है ऐसा व्यक्ति जो घर में बहुत ईमानदारी से व्यवहार करता हो सबके साथ आस पड़ोस में किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है पार्ट टाइम सामाजिक भाव से वहाँ भी ट्रांसपेरेंसी से काम करता है ईमानदारी से काम करता है ऑफिस में भी बेहद ईमानदार है और उसको बेईमान बनाना संभव ही नहीं है ऐसी राय उसके बारे में सबकी है हम कहेंगे कि वो इंटेग्रिटी वाला व्यक्ति है पर्सनल लाइफ में भी इंटेलेक्चुअल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी उसमें इंटीग्रिटी है कंसिस्टेंसी है हर जगह इंटेग्रिटी है और पहले वाले में हर जगह बेईमानी थी कंसिस्टेंसी उसमें भी थी पर बेईमानी के साथ थी कुछ ऐसे लोग आपने शायद देखे होंगे मैंने तो देखे हैं सुना भी है पढ़ा भी है आपने भी शायद सुना ही होगा जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहद ईमानदार होते हैं और पर्सनल लाइफ में ईमानदार नहीं होते हैं इसका रिवर्स भी हो सकता है जो पर्सनल लाइफ में बेहद ईमानदार हो और प्रोफेशनल लाइफ में बेईमान इमां हो ईमानदार ना हो जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि पर्सनल रिलेशंस में दोस्तों के साथ एकदम ईमानदार व्यक्ति है ज़रा भी छल कपट नहीं करता है लेकिन जब वो अपने प्रोफेशन में जाता है तो प्रोफेशन में सफल होने के लिए छल कपट का सहारा लेता है ऐसे लोग हो सकते हैं इसका रिवर्स कर लीजिए ऐसा व्यक्ति जो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल या प्रोफेशनल लाइफ में एकदम ईमानदार हो इतना ठोस हो कि आप उसको बेईमान बना ही नहीं सकते लेकिन वो ठीक वैसा अपने घर में नहीं है वो ठीक वैसा अपने आस पड़ोस में नहीं है अपने संबंधियों के साथ नहीं है एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक ऐसा व्यक्ति है सरकारी विभाग में काम करता है और उसका काम है सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करना और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करते हुए उसके पास बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं प्राइवेट बिल्डर्स के वो बार बार कहते हैं कि आप हमसे पैसा दे दो तो थोड़ा सा इग्नोर कर दो इस फाइल को पास कर दो हम आपको इतना हिस्सा देंगे और वो व्यक्ति इतना ईमानदार है कहता है कि पैसा तो भूल जाओ एक एक इंच ज़मीन सरकार की मैं छुड़वा के मानूंगा सरकार की ज़मीन सरकार के पास ही रहेगी बड़े बड़े बिल्डर बड़े बड़े नेता उसको समझा समझा के उसको प्रलोभन दे दे के धमका धमका के थक गए पर उस व्यक्ति ने एक इंच जमीन का भी हेरफेर न किया न होने दिया ऐसा व्यक्ति है और जब किसने ने धमकी दी उसने कहा कि मुझे मरने में कोई डर ही नहीं लगता तो मुझे मारना चाहते हो मार दो लेकिन जब तक मैं जीवित हूं और मैं इस पद पर हूं इस पद पर मेरे रहते हुए आप सरकार की एक इंच भी जमीन के साथ गड़बड़ नहीं कर पाएंगे ऐसा व्यक्ति है लेकिन सरप्राइजिंगली वो व्यक्ति अपने परिवार में वैसा नहीं है और परिवार में ऐसा नहीं है इसका एक सामान्य उदाहरण क्या हो सकता है कि जब उसके घर में संपत्ति के बंटवारे का प्रश्न आया मान लीजिए उसके माता पिता की मृत्यु हुई दुर्घटना में हुई और वो वसीयत लिख के नहीं गए अब जब कोई वसीयत लिख के नहीं जाता है तो कानून है उसका लेकिन पर डिस्प्यूट्स खूब होती हैं और जब वो डिस्प्यूट्स हुए तो उसने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का वहाँ पर प्रस्ताव रखा दबाव बनाया कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए ज़्यादा हिस्सा चाहिए और लोग कह रहे हैं कि अजीब बात है यार सरकार में इसके पास इतने चांसेस होते हैं कि ये तो एक फ़ाइल दाएं से बाएं कर देगा इतनी ज़मीन आ जाएगी वाह तो ये लेता नहीं है और यहाँ जो ज़मीन थोड़ी सी है उसमें लेने वाले आठ लोग पहले से हैं उन आठ में पूरी ताकत लगा रहा है ऐसा क्यों कर रहा है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है यह जो व्यक्ति है यह प्रोबिटी वाला व्यक्ति है और प्रोबिटी का मतलब हो सकता है कि वह है व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में सोशल लाइफ में फैमिली लाइफ में एग्जैक्टली वैसा न बर्ताव करता हो जैसा वो सरकारी जीवन में बर्ताव करता है ऑफिशियल लाइफ में बर्ताव करता है लेकिन सरकार को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है सरकार चाहती है कि ऐसे लोक सेवक मिलें जो इंटेग्रिटी वाले हों और इंटेग्रिटी भी ओवरऑल हो जो प्रोफेशनल लाइफ में शानदार हो पर्सनल लाइफ में शानदार हो उनकी ईमानदारी एक मिसाल बने लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते ऐसे व्यक्ति कम होते हैं सीधी सी बात है कि समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं तब कौन व्यक्ति चाहिए कि भाई पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत व्यक्ति अलग प्रकार का चलेगा किंतु पब्लिक लाइफ में किंतु गवर्नमेंट वाले जीवन में ऑफिशियल लाइफ में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में व्यक्ति की ईमानदारी चरम होनी चाहिए ऐसी व्यक्ति चाहिए ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं द पर्सन्स ऑफ प्रॉबिटी एक और एग्जांपल हो सकता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री में काम करता है और उसकी जिम्मेदारी है माइनॉरिटी के हित में नीतियाँ बनाना वो रात दिन अच्छी नीतियां बनाता है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है और मंत्री भी खुश हैं संसद भी खुश है उसे काम से ब्यूरोक्रेसी में भी उसको लोग एक आइडियल फिगर के रूप में देखते हैं कि काम करो तो इस तरह से करो लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति पर्सनल लाइफ में माइनॉरिटी संबंधी नीति से सहमत ना हो और जब दोस्तों के साथ बैठा हो परिवार में बैठा हो लोग उससे कहें कि माइनॉरिटीज की पॉलिसीज जो सरकार बनाती है आप खुद बनाते हैं क्या राय हो कहे कि मैं बहुत खुश नहीं हूं उन नीतियों से वो नीतियाँ गलत बुनियाद पर बनी हुई हैं लेकिन वो मेरा काम है और जब मैं ऑफिस में जाता हूं मैं ये भूल जाता हूं कि मेरा पर्सनल वैल्यू सिस्टम क्या है मैं केवल और केवल ये सोचता हूं कि सरकार ने एक लोक कल्याणकारी राज्य ने एक वेलफेयर स्टेट ने मुझे एक नौकरी दी है मुझे काम दिया है कि मैं इस काम को ठीक से प्लान करूं ठीक से इम्प्लीमेंट करूं और मैं अपनी पूरी ताकत से वो काम करता हूँ बावजूद इसके यदि नीति मुझे बनानी होती तो मैं इस नीति को कभी स्वीकार न करता क्योंकि मैं पर्सनल वैल्यू सिस्टम में महसूस करता हूं कि यह ठीक नहीं है ऐसे व्यक्ति जो अपनी पर्सनल वैल्यू सिस्टम से तटस्थ रहते हुए अपने सरकारी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को पूरी इंटेग्रिटी से इसलिए कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्रोबिटी इस सेंस में प्रोफेशनल इंटेग्रिटी ही होती है अपने प्रोफेशनल दायित्वों के प्रति इंटेग्रिटी रखना ही प्रोबिटी है यदि किसी व्यक्ति में केवल प्रोफेशनल इंटेग्रिटी हो पर्सनल ना हो इंटेलेक्चुअल ना हो तो हम कहेंगे कि वो प्रोबिटी वाला व्यक्ति है या प्रोफेशनल इंटेग्रिटी वाला व्यक्ति है लेकिन उसमें ओवरऑल इंटीग्रिटी नज़र नहीं आती है मेरा ख्याल है कि अब आपको तीनों शब्दों का अंतर थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा और यदि मुझे अंत में इन तीनों को एक साथ रख के बताना हो अगर इन सब की तुलना करनी हो तो मेरा ख्याल है कि हम एक सीढ़ी बना सकते हैं और उस सीढ़ी में उन तीनों को प्लेस करना हमारे लिए उतना मुश्किल काम अब नहीं होगा ये तीनों महान मूल्य हैं है ना इनमें से कोई भी हल्का मूल्य नहीं है तीनों महान मूल्य तो हैं ही है। लेकिन यदि तीनों में से तुलना करनी है तो मैं कहूँगा कि ऑनेस्ट होना इन तीनों में सबसे आसान है इसलिए ऑनेस्टी इन तीनों मूल्यों में सबसे नीचे का स्तर है जीवन में ऊंचा स्तर है इन तीनों की आपसी तुलना में बात करें तो नीचे का स्तर है व्यक्ति में ऑनेस्टी पर्सनल भी हो सकती है और इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशनल या प्रोफेशनल लेवल पर भी हो सकती है ज्यादा अच्छा व्यक्ति वो है जिसमें दोनों लेवल्स पे हो उसकी तुलना में कम अच्छा व्यक्ति वो है जिसमें इनमें से एक लेवल पर हो अब यदि मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं अगर ऑनेस्टी कौन सी वाली जो प्रोफेशनल ऑनेस्टी है वो थोड़ा ऊंचे स्तर पर चली जाए तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति प्रोबिटी वाला है और प्रोबिटी मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रोबिटी का संबंध पर्सनल लाइफ से नहीं होता है प्रोबिटी का संबंध प्रोफेशनल लाइफ से होता है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ से होता है मैं प्रोबिटी एक संस्था के मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्रोबिटी एक व्यक्ति के मूल्य की बात कर रहा हूं और वो संस्थागत संदर्भों में ही उसकी ईमानदारी जो है उसको बोलते हैं प्रोबिटी और जब कोई व्यक्ति इससे भी ऊंचे स्तर पर चला जाए तो हम कहते हैं कि वो इंटेग्रिटी वाला व्यक्ति है बस ये ध्यान रखना कि इंटेग्रिटी केवल प्रोफेशनल होगी तो हम कहेंगे कि उसमें और प्रोबिटी में लगभग बराबरी की स्थिति है लगभग समानार्थकता की स्थिति है लेकिन यदि किसी में इंटेग्रिटी ओवरऑल है पूरे व्यक्तित्व में ही इंटेग्रिटी है तो मैं कहूंगा कि वो सबसे ऊंचे मूल्य के पायदान पर टिका हुआ है प्रॉबिटी और इंटेग्रिटी के इसी अंतर की वजह से प्रॉबिटी को टॉपिक नंबर सात में रखा गया है फाउंडेशन वैल्यू नहीं बताया गया फाउंडेशनल वैल्यूज वो होती हैं जो जीवन का मूल आधार होती हैं ये एक तरह की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है ये एक तरह की प्रोफेशनल वैल्यू है कि जब आप किसी संस्था में काम करें तो उस संस्था के जो इथिक्स हैं उस संस्था का जो कोड ऑफ कंडक्ट है कोड ऑफ इथिक्स है उसको मन वचन कर्म से फॉलो करें अंतरात्मा के स्तर पर फॉलो करें उससे हल्के में उसको फॉलो ना करें मुझे उम्मीद है कि इस पूरे चित्र से आप समझ पा रहे हैं इन सबका संबंध क्या है तीनों मूल्य महान हैं लेकिन तीनों में तुलनाएं तो होती ही हैं और अगर आपको ठीक लगे या ठीक ना भी लगे तो कमेंट सेक्शन में केवल ये बताएं कि और कौन से टॉपिक्स आपकी इंटरेस्ट में हैं एच एक्स की दुनिया में तो मैं कोशिश करूँगा कि हर सप्ताह एक आठ टॉपिक बीस में लाता रहूँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्वस्थ रहिए खुश रहिए आनंद में रहिए खूब पढ़िए धन्यवाद